अस्सलाम वालेकुम जी, हम मौजूद हैं यहाँ पे डॉक्टर शाइस्ता ज़ीशान के साथ। ये सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की, मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की, एग्जीक्यूटिव मेंबर अथॉरिटी की भी, और बेसिकली सीईओ भी हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की। जब आफ्टर द कैबिनेट हैज अपॉइंटेड हर, नॉमिनेटेड हर एज द मेंबर प्रीमियर ऑफ द अथॉरिटी, तो हमारे साथ ये मौजूद हैं और वेरियस मसाइल जो हैं उन पर डिस्कशन करेंगे जो रेगुलेटर से रिलेटेड है। पहला हमारे साथ सवाल, हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। तो पहला हमारा सवाल ये है कि वी शुड बिगिन विद द कॉन्टेक्स्ट टू रीसेंट इवेंट्स, ठीक है जी, कुछ इवेंट हुए हैं जिसमें आपका सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है वो वेकेंट सीट्स का। हम इस बात समझ सकते हैं कि क्योंकि रेगुलेटर है और इसने रेगुलेशन बनानी है और ये चाहता है कि उन रेगुलेशन पर अमल दरामद हो, डेट्स जो थे जो साइकिल ये जारी करे वो फॉलो हो। लेकिन हमने ये देखा है जब रेगुलेटर जब ये काम करना चाहता था, जब डेडलाइन को फॉलो कराना चाहता था, तो हमने ये देखा कि बड़ा अब्रप्ट किस्म का काम हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे जिनका एडमिशन हो जाना था, अब अगर ये वेकेंट सीट का मामला ना होता वो उनको नहीं हो सका। बेसिकली गलती तो यूनिवर्सिटीज की है, एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की है, उनको पेनलाइज करना चाहिए था, जो भी पेनल्टी होती उन पर लगती थी, दे ड्यू ए पेनल्टी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट जिनको एडमिशन नहीं मिल सका। बिकॉज ऑफ दैट पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ कि पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी सीट्स खाली है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों सिस्टम नहीं बनाया जाता जो जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ पेनल्टी हो, ना सिर्फ इन जनरल बच्चे भी उसका जो है जो उसका जो वजन है वो बर्दाश्त करना पड़े गलतियों का। अच्छा, इसमें अली मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देने के लिए कि प्रीवियसली ये प्रैक्टिस नहीं होती थी। बींग अ रेगुलेटर, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एज अ रेगुलेटरी बॉडी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएं अपने स्टेक होल्डर्स, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। पहले ये होता था कि सारा साल आपके एडमिशन्स ही ख़त्म नहीं होते थे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आती रहती थी, कोटा की सीट्स फिल नहीं होती थी, बल्कि जिस साल की होती थी उस साल में नहीं होते थे, बच्चों की नॉमिनेशन आ जाती थी, उनके एक एक साल ज़ाया हो जाता था। ज़ाया इन अ वे के वो ज्वाइन करते थे कहीं आखिर में जाकर, सेशन कब का शुरू हुआ है, क्योंकि नॉमिनेशंस नहीं आती थी, चाहे वो नॉमिनेशंस आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आनी है, कोटा सीट्स पर हैं या जो भी है, तो ये एडमिशन सारा साल ही चलते रहते थे। लेकिन देखें, बीइंग अ रेगुलेटर यू वुड अप्रिशिएट कि हम लोग जो भी स्टेप्स लेना चाह रहे हैं अभी वो हम ही गाइडेंस देंगे, तो ये कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हमारे कहने पे उसको फॉलो करेगी। उसके लिए हमें क्या करना है एज अ रेगुलेटर, हमें वो टाइमलाइंस या डेडलाइंस देनी है और फिर वी हैव टू मेक श्योर कि वो डेडलाइंस फॉलो की जाए। नुकसान अल्टीमेटली किसका हो रहा है? नुकसान अल्टीमेटली बच्चों का हो रहा है ना, कि वो सेशन लेट ज्वाइन करेंगे, टाइमली एडमिशन्स नहीं होंगे, क्लोज नहीं होंगे, तो मसला किसको आ रहा है? बच्चों को आ रहा है। तो देखिए, बीइंग अ रेगुलेटर हम इस वक्त बच्चे भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम लोग अगर ये सब स्टेप्स ले रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ही ले रहे हैं कि, और आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली अभी हमने स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी की है, वी हैव आस्क्ड द यूनिवर्सिटीज, हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, और आप नेक्स्ट ईयर देखोगे कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। दे विल नाउ लर्न दैट दे हैव टू फॉलो द टाइमलाइंस, दे हैव टू फॉलो द डेडलाइंस, और इसमें आइंदा हमारे इन्हीं बच्चों के जो अपकमिंग हमारे सेशंस होंगे उसमें इन्हीं के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, क्योंकि पहले से ही चीज़ें डिफाइंड होंगी। ठीक है, तो अभी के सेशन में इस तरह से था कि हमारे रेगुलेशंस में तो क्लियर कट डेडलाइंस लिखी हुई थी कि जी 10 जनवरी तक पब्लिक यूनिवर्सिटीज ने करना है, उसके बाद 30th ऑफ जनवरी तक की टाइमलाइंस थी हमारी प्राइवेट के लिए, और फिर 10th फरवरी तक था कि आपने जो स्पेशल सीट्स हैं या डेंटल के लिए काउंसिल ने स्पेशल प्रोविजन दी, एंड टाइम टू टाइम हमने यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को, उनको लेटर्स भिजवाए, उनको अपने पब्लिक नोटिसेस पे के थ्रू इन्फॉर्म किया, अपनी वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म किया कि दैट दे हैव टू फॉलो दीज टाइमलाइंस, ताकि बच्चों में कोई कंफ्यूजन ना आए। तो इसमें हुआ ये कि टिल आई वुड से दिस 15 को हमारा काउंसिल का इजलास हुआ था, 17 तारीख तक ये था कि हमारी तकरीबन 5,800 कुछ सीट्स जो थी वो खाली थी। आपने भी देखा होगा, हमने प्रेस रिलीज में भी दिया कि काफ़ी सीट्स खाली थी, क्योंकि वही यूनिवर्सिटीज़ फॉर सम रीजंस अब डिफरेंट थी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को इश्यूज थे कि जी वो
उन्हें कोटा सीट्स की नॉमिनेशंस नहीं आई. अब पहले ये था कि वो जाहिर है दे आर वेटिंग फॉर द नॉमिनेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, वो उन्हें नहीं पहुंची, दे कुड नॉट फिल अप दोस सीट. अच्छा, उसमें फिर हम लोगों ने एक्सटेंडेड उन लोगों को टाइमलाइंस भी दी थी. मतलब आपने 10th तक अगर हमने टाइमलाइन दी थी इनको फेब की, तो हमने एक्सटेंड किया उसको टिल 18th फेब. 3 विंडोज हमने दी थी इन लोगों को टू अपलोड देयर एडमिशंस फॉर एनी केस. अगर उनको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है अपलोड करने में, एडमिटेड लिस्ट अपनी अपडेट करने में, तो हमने उनको रिलैक्सेशन भी दी टिल 18th of February. तो हमने तो हद दर्जे तक कोशिश की कि हम कॉलेजेस को गाइड कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें, और इस दौरान अगर हमें स्टूडेंट्स की भी अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही थी, तो हमारा एक डिपार्टमेंट यहाँ पे डिप्यूटेड था जो कि ईमेल के थ्रू कंप्लेंट्स उन बच्चों की रिसीव कर रहा था, जो हमें थ्रू पोस्टल कंप्लेंट्स आई वो भी थ्रू फोन भी, और उन कंप्लेंट्स को नोट किया गया और उन पर एक्शन लिया गया. तो ये फैसला जो वेकेंट सीट्स के हवाले से था, ये काउंसिल ने इसलिए लिया क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि वो सीट्स वेकेंट उस तरह से जाएं, और डेफिनेटली हमें ये भी मालूम था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस वक्त बहुत अच्छे मेरिट लेकर बैठे हुए हैं, बट फॉर सर्टन रीजंस के जी कॉलेज नहीं उनको टाइमली अपनी प्रोसेसेस पूरी कर पाए, तो उन बच्चों का नुकसान ना हो. तो यही इवन आई वुड से कि ये बच्चों के लिए ही ये स्टेप लिया गया था बाय द काउंसिल कि ये वेकेंट सीट्स हम इसको एज अ नेशनल पूल कन्वर्ट कर दें, और फिर उसके अंदर उन कॉलेजेस को टाइम दिया गया कि आप उसमें से बच्चे उठाएं और उन वेकेंट सीट्स के ऊपर मेरिट के ऊपर. और फिर हमने कई जगह पर कुछ लोगों के थोड़े बहुत एप्रिहेंशन ये भी थी कि जैसे सिंध में है, बलूचिस्तान में है, कि डोमिसाइल और वहाँ के लोकल बच्चों का, तो हमने तो इस चीज़ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कहा कि ठीक है आप उसी में से ही हमने बच्चे एलोकेट किए कि जो डोमिसाइल होल्डर थे सिंध के, बलूचिस्तान के, जो भी प्रोविंसेस थे, और मेरिट देखते. तो दिस वॉज टू फैसिलिटेट दोज चिल्ड्रन बेसिकली कि जो कोई रहना चाहे. तो हमने कल तक का टाइम दिया था, कल रात 12 बजे तक 10 मार्च तक का टाइम था. जस्ट टू अपडेट यू बिकॉज अभी ये स्टार्ट हम लोगों ने टीम इज वर्किंग ऑन इट. हाँ जी, हमारी टीम वर्क कर रही. रात 12 बजे तक हमारे पास टाइम था. हमने कॉलेजेस को, तमाम पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस को कहा था कि वो अपनी एडमिटेड लिस्ट्स हमसे, फाइनल एडमिटेड लिस्ट्स शेयर करें, विच शुड इंक्लूड ऑल देयर कोटा सीट्स एंड एवरीथिंग, द नॉमिनेशंस विच दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उसके अलावा भी अगर कुछ है. तो हमारे पास वो सारा डेटा आज मॉर्निंग में, आवर टीम इज ऑन इट, दे आर कंपाइलिंग दैट डेटा नाउ. तो थोड़े बहुत स्टैट्स हैं इफ यू वुड लाइक, तो मैं थोड़े बहुत आपसे शेयर कर सकती हूँ बिकॉज वी आर स्टिल इन द प्रोसेस. सो दीज आर आई वुड से दी अप्रॉक्सीमेट, आई वुड से जो मैं आपको स्टैट्स शेयर कर रही हूँ, नॉट द डेफिनेट वंस. डेफिनेट हमारे पास, हम इंशाल्लाह आज शाम तक, जब तक वो सारा का सारा प्रोसेस हमारा हो जाएगा कंप्लीट और हम लोग उसको रिकनसाइल कर लेंगे, तो वील बी एबल टू शेयर द एग्जैक्ट फिगर्स. सो स्टार्टिंग विद द डेंटल कॉलेजेस, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में हमारे पास टोटल 2,465 सीट्स थी, जिसमें से अब हमारे पास 841 वेकेंट आई हैं एज पर द लास्ट नाइट्स. ये किस प्रोविंस में? मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट. मैं आपको मतलब मेन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इसमें से मैं आपको बता दूंगी एग्जैक्ट. हम आपको प्रेस रिलीज जो आज शाम में आएगी उसमें सारा कॉम्प्रिहेंसिवली विद ऑल सेग्रीगेशन, कौन कौन सी प्रोविंसेस है वो उस तरह से हम शेयर करेंगे. अच्छा, अब इन 841 सीट्स में 588 सीट्स जो है ना वो सिंध की हैं. 588 टोटल सीट्स सिंध की हैं ही 740, और उसमें से 580 अभी जो वेकेंट आ रही है 588 वो हमारे सिंध के कॉलेजेस की आ रही है. एंड बट वी इसमें 8 डेंटल कॉलेजेस हैं सिंध के हु एक्चुअली इलेक्टेड टू फॉलो द सिंध गवर्नमेंट्स डिसीजन के 50% से बिलो बच्चे जो हैं वो, या एंटी कैट जिनका क्लियर नहीं होगा वो उनको भी, वो तो रेगुलराइज नहीं होंगे किसी सूरत भी, वो इसी वजह से शायद वो एंटर नहीं कर पाए ना, क्योंकि हमारा पोर्टल में आप एंटी कैट क्वालिफाइड बच्चे को ही
आप एंटर कर सकते हो. प्रीरिक्विजिट है उसपे. प्रीरिक्विजिट है. तो हमने तो एलोकेट करके इनको सारी सीट्स फिल इन करके भेज दी थी. इसका मतलब ये है कि सिंध में वो बच्चे मौजूद हैं जो कि मेरिट को क्वालिफाई करते हैं. ठीक है, 65% बच्चे, 65% अबव एनटी कैट मौजूद हैं जो कि वो इस इन कॉलेजेस में दाखला ले सकते हैं. लेकिन चूंकि इन कॉलेजेस ने ऑप्ट किया कि नहीं हम 50% वालों को भी देंगे, तो उन्होंने वो बच्चे प्रॉबेबली एडमिट कर लिए है या जैसे भी है. तो अब इनकी 588 सीट्स वेकेंट शो हो रही हैं हमारे पास, वो 8 कॉलेजेस. अब बहुत सारे कॉलेजेस हो दैट्स इनमें ऐसे भी हैं माजर साथ के जिन्होंने बच्चे एडमिट भी किए हुए हैं, मतलब उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मतलब हम जानते हैं पूर्ति की खबर आती है कहीं से, एक जिस नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन कराची में एक स्टूडेंट जिस तरह उसने बच्चे डेंटल में सारे बिठाए हुए हैं, लेकिन जब आप देखते हैं उसकी लिस्ट तो लिस्ट में 0 बच्चा आ रहा है लेकिन वो क्लासेज हो रही है डेंटल की. तो ये जो मामला है ये तो इस तरह से देखें, इसी मामले के ऊपर ही तो हमारी बातचीत हुई, पहले भी हुई, और इसी के ऊपर हमने बार बार कॉलेजेस को वार्न भी किया कि एज़ पर रेगुलेशंस. देखिए हम रेगुलेटरी बॉडी है ना, तो हमने तो रेगुलेशंस फॉलो करवानी है. तो हमने क्लियर कट सिंध गवर्नमेंट को भी लिखा था और इस बारे में हमने अपनी पब्लिक अनाउंसमेंट्स प्लस पब्लिक नोटिसेस भी दिए कि जो स्टैंडर्ड है वो है कि एक बच्चा 65% एमडी कैट क्वालिफाई किया हुआ हो तो वो एलिजिबल है एडमिशन के लिए. अगर वो इससे कम है तो वो एलिजिबल नहीं है. तो अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, तो पीएमसी बहुत दफ़ा पहले भी हर एक को वार्न कर चुका है, थ्रू न्यूज़पेपर्स भी दे चुका है कि हम उस बच्चे को रजिस्टर नहीं कर सकते. पीएमसी एज पर लॉ उस बच्चे को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इशू नहीं कर सकता, और यही वजह है कि हमारे पीएमसी बोर्ड के ऊपर वो बच्चा एंटर हो ही नहीं सकता. और पॉइंट यहाँ पर यह है कि या तो हो ना कि बच्चे आपके पास क्वालिफाइड बच्चे मौजूद ना हो, आपके पास बच्चे मौजूद हैं, आप उनको छोड़कर जो एक मेरिट पे 65% प्लस है, आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोअर मेरिट वाले बच्चे को ले आएंगे, मतलब वो उनका क्या कसूर है? तो आप वी एज अ रेगुलेटर वी नीड टू इंश्योर कि जो बच्चा मेरिट क्वालिफाई कर रहा है वो डिजर्विंग है कि नहीं है. वो डिजर्विंग है ना, तो हमने तो ये इंश्योर करना है कि उसके राइट्स प्रोटेक्टेड हो. बिल्कुल, जो कानूनी राइट्स हैं जी, उसके राइट्स हैं. तो हमने तो वो प्लेसमेंट्स करके कॉलेज को भेजी, हमने उनके हिस्से का काम किया. जो वेकेंट सीट्स वो सारी छोड़ चुके थे, हमने कहा अच्छा चले ठीक है, हम अपनी लिस्ट में देखते हैं आपके ही सूबे में अगर 65% प्लस क्वालिफाइड बच्चे मौजूद हैं, हम आपको बताते, आप प्लीज उनको एडमिशन्स दें. हमने प्लेसमेंट्स करके भिजवाई, बट स्टिल वी आर हैविंग वेकेंट सीट्स हियर. ये प्राइवेट की होगी, ये प्राइवेट की आगे जी. पब्लिक डेंटल कॉलेजेस वी हैव इन टोटल 1217, उसमें से आपके पास 146 सीट्स अभी वेकेंट शो हो रही, तो दिस मेक्स अबाउट 12% वेकेंट. तो ये भी आप ये कह लें कि ये स्टैट्स अब पब्लिक डेंटल कॉलेजेस में हमने इसी तरह से प्लेसमेंट्स करके भेजी थी, तो दिस कुड बी यू नो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, दिस मे बी दिस इज अ नेशनल रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द डेंटल कॉलेजेस. मे बी मोर स्टूडेंट्स दे ऑप्ट फॉर MBBS. दो के हमने प्लेसमेंट्स की, बच्चों ने हमारे पास जो उन्होंने अपनी चॉइसेस दी हुई थी उसमें कुछ बच्चों ने बोथ भी लिखा हुआ था, कुछ ने सिर्फ डेंटल का कुछ ने किया हुआ था, बहुत कम थे जिन्होंने डेंटल को ऑप्ट किया हुआ था. बाकी ज़्यादातर आपको भी पता है कि MBBS की तरफ ज़रा थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं बच्चे. तो ये बच्चे जो डेंटल कॉलेजेस में प्रॉब्ली हमने उनको तो प्लेस किया, बट दे नेवर वॉन्टेड टू ज्वाइन दोज डेंटल कॉलेजेस इवन बींग अ पब्लिक डेंटल कॉलेज. तो मे बी दे हैव दिस, कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे पास है, क्योंकि हमने आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी टीम यहाँ पर पिछले कुछ वीक से लेट नाइट वी हैव फॉर द एडमिशन ऑफ दीज चिल्ड्रन, यू नो वी हैव बीन ट्राइंग टू डायरेक्टली टॉक टू दोज चिल्ड्रन हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, हु आर कॉलिंग अस आस्किंग देम
कि कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, क्या करना चाहिए. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ये कहा कि जी हम इस साल एडमिशन नहीं लेंगे, अगर हमारा नहीं हो रहा हम नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, क्योंकि हम MBBS में जाना चाहते हैं और अभी हमारा मेरिट जो है वो उसमें नहीं फॉल कर रहा. तो सो इन शॉर्ट वी हैव 146 ये मोस्टली किस प्रोविंस की. वेल पब्लिक डेंटल कॉलेजेस इसमें एक मिक्स्ड ही है. वी हैव सम इन पंजाब एज वेल एंड इन सिंध एज वेल. सो इन टोटल 12% जो है वो हमारी सीट्स इन टोटल 12% आर वेकेंट ऑफ द टोटल 12%. सो बाकी मैंने जैसे आपसे कहा कि एग्जैक्ट स्टैट्स विद आफ्टर वेरिफिकेशन एंड यू नो कंपाइलिंग द होल डेटा विल बी शेयरिंग थ्रू द प्रेस रिलीज. तो ये अभी प्रिलिमिनरी जो हमने अभी वर्क काम किया है जस्ट फॉर यू और आपके जो हैं और कोलीग्स उनके लिए. आई एम शेयरिंग दिस विद यू राइट नाउ. अच्छा नाउ वी कम टू द मेडिकल कॉलेजेस. मेडिकल कॉलेजेस का ये था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस टोटल हमारे पास 8,652 सीट्स हैं जिसमें से अबाउट 196 आर वेकेंट. 196 सीट्स आउट ऑफ 8,652 जिसमें से 2.2% बनती है. और उसमें से सिंध की 175 है. Again, there is a trend now. We can see a trend. Yeah. So out of 196, सिंध की 175 है और वो चार कॉलेजेस हैं हमारे जो के सिंध के जो who opted for the same के उसकी वजह से क्राइटेरिया से डिविएट कर तो वो तकरीबन वो जी क्राइटेरिया से डिविएट कर रहे थे. तो वो तकरीबन 148 सीट्स उनकी बनती हैं उन कॉलेजेस की आउट ऑफ 175 उन चार कॉलेजेस की मेडिकल कॉलेजेस में. तो अगर आप इनको निकाल दें तो इन टोटल आपकी एक्चुअली 8,652 में से 48 वेकेंट सीट्स बनती हैं जो कि इट्स लेस देन 1%. सो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में वी हैव 8,465 इन टोटल सीट्स और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 250 सीट्स खाली गई हैं पब्लिक में. और यहाँ पे भी सिंध में 156 सीट्स हैं पब्लिक में. पब्लिक MBBS और ये भी कोई 5 कॉलेजेस हैं जिसमें प्रॉब्ली 118 सीट्स इनकी खाली गई हैं पब्लिक. ये सिर्फ कोटा पे है या कोई और चीज़. वेल ये डिटेल्स तो मैं अभी आपको नहीं बता सकूंगी. सेल्फ फाइनेंस है या कोटा है हमारे पास तो लमसम अभी इस वक्त जो नंबर्स मौजूद हैं वो हैं. सो दीज वर जस्ट द हाइलाइट्स और जस्ट फॉर यू टू यू नो आप इन्फॉर्मेशन के लिए. बाकी एज आई मेंशन्ड अर्लियर के थ्रू प्रेस रिलीज हम लोग अभी हमारी टीम इस पे काम कर रही है और जो कंसोलिडेटेड बाकी डेटा होगा विल बी शेयरिंग शॉर्टली. ठीक ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी बच्चों ने कुछ सवाल पूछा इसमें कि अब पहले तो ये होता था कि जो रेगुलेटर था जो PMDC थी पहले उसका ये था कि आप माइग्रेशन अगर पहले साल में है तो आप नहीं करा सकते थे. PMC ने ये मतलब माइग्रेशन एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में पब्लिक टू पब्लिक प्राइवेट टू प्राइवेट ट्रांसफर आप कह रहे हो जी. हाँ, माइग्रेशन हाँ. तो अब कुछ सीट्स ऐसे खाली नजर आ रही है उनको जैसे सिंध में है जैसे KPK में है. अगर बच्चे बिल्कुल वो कर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी अलाउ करती है. जी बिल्कुल अगर उनकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो वो कर सकते. यूनिवर्सिटी कैसे अब ये बिल्कुल ये उन्हीं के उसमें आ जाता है. और ये जो वेकेंट सीट्स हैं हमने पहले भी ये चीज बच्चों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दी थी कि ये जो वेकेंट सीट्स अब जाएंगी इसमें अगर जाती हैं तो दे कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज आई मीन फॉर ट्रांसफरिंग. अगर कोई बच्चा चाहता है जाना और यूनिवर्सिटी अलाउ करती है जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है जहाँ जाना चाह रहे हैं वो भी अलाउ कर रही है तो ही कैन गेट द कंसेंट एंड गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ ट्रांसफर. ठीक ठीक हो गया. एक और क्वेश्चन था कि इसके मतलब कोई खास हमें डिटेल्स नहीं बता देती थी. नेशनल स्कॉलरशिप मतलब ये क्या क्राइटेरिया बेसिकली नीड है या मेरिट है या बोथ है किस क्राइटेरिया पे ये दिया जाता है क्योंकि अभी तक आ रहे हैं बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि जी हमें अब आने लग गए मेल्स आती हैं उसके लिए कि भाई आपका स्कॉलरशिप आ गया. तो इसका क्राइटेरिया बेसिकली क्या है क्या असेसमेंट है. देखिए उसमें ना बच्चों से कुछ कागजात उनके कुछ एविडेंसेस मांगे गए थे. अब अगर स्कॉलरशिप आपने एलोकेट करना होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं. उसमें उन बच्चों की फॉर एग्जाम्पल बताऊँगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग
कि स्टेटमेंट ऑफ नीड मंगवाई, उनसे उनसे एविडेंसेस मंगवाए कि वाकई वो हकदार हैं उस स्कॉलरशिप के नहीं। हमारे पास तकरीबन कोई 10,000 एप्लीकेशन आई थी। अब उन 10,000 में फिर हमने ये भी देखा कि मेरिट में वो बच्चा कहाँ फॉलो कर रहा है। अगर वो बच्चा बहुत हाई स्कोर भी लिया हुआ है, प्लस उसके पास एविडेंस भी है कि वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना तो चाह रहा है लेकिन वो अफोर्ड नहीं करता, तो फिर पीएमसी ने कहा कि ठीक है, वी आर हियर एंड वी कैन हेल्प यू आउट विद दिस। तो वो उन बच्चों के तमाम चीज़ें देखी गई, मेरिट क्या है, जाहिर है जो बच्चा बहुत हाई स्कोर लेके बैठा हुआ है लेकिन अफोर्डेबिलिटी इशू है, उसके घर वाले नहीं सपोर्ट कर पा रहे उसको, और उसने वो चीज़ अपने एविडेंस के थ्रू, जो कि जाहिर है वो वेरिफिकेशन हमारा काम था करना, जिसमें थोड़ा इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, वी नीड पाकिस्तान जैसे बोर्ड पे तो वाकई में जी, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड अबाउट इट, बट डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प दोज डिजर्विंग स्टूडेंट्स। दिस वाज नेवर डन अर्लियर, सो दिस इज डन फॉर द फर्स्ट टाइम, एन इनिशिएटिव फॉर दोज चिल्ड्रन हु वांट टू परसू दिस करियर, मेडिकल करियर, बट ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी इशूज वो नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है और इसमें हमें बड़ी अप्रिसिएशन, दुआएं पेरेंट्स ने, जिन लोगों को हमने भेजा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बड़ी खुशी की बात होगी क्योंकि रिजा साहब अक्सर कहते हैं कि भाई मुझे जब इस तरह के मैसेज आते हैं तो बहुत खुशी होती है, मतलब डेफिनेटली होती है, क्योंकि उसके अलावा तो उनको आपको पता ही है कि लानतानी मिलती है तो नहीं। देखिए, बीइंग अ रेगुलेटर ना, आपको कहीं बहुत सारी जगहों पर आपको सख्ती करनी पड़ती है, जहाँ आप सख्ती करते हैं ना तो वहाँ सख्ती इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होती, चाहे वो कॉलेजेस होंगे, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं। हम बीइंग रेगुलेटर जहाँ सख्ती करेंगे हम बुरे बनेंगे, हम विलन कहलाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है, प्रोसेसेस फिर हमने ही ठीक करनी। अगर हम लीनियंट हो जाएंगे, और ये एकदम प्रोसेसेस ठीक होंगी भी नहीं, जैसे कि आपने बात की कि ये जो आपने बताया कि हम डेडलाइंस जो फॉलो करा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि इन फ्यूचर जो है ना ये वायलेशंस ना हो। वायलेशंस ये देखें, इट्स एवरी स्टेप इज मतलब जो भी हम ले रहे हैं ना वो लर्निंग है, नॉट जस्ट फॉर अस, फॉर द यूनिवर्सिटीज हु वेंट थ्रू दिस प्रोसीजर। सारी सारी रात बैठे हैं ना, सबने काम किया है, और मैं कहूंगी कि बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया है, हमारी डायरेक्शंस को फॉलो किया है। आई वुड रियली अप्रिशिएट ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस जिनसे हमारी टीम यहाँ पे 24/7 लगी रही है उनके साथ। हमारी आईटी टीम है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक डेजिग्नेटेड टीम है जो फोन कॉल्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ रابطे में रही है, और उनकी टीम्स वहाँ पर सारी सारी रात बैठ के उन्होंने किए। तो कुछ उन्होंने सीखा, कुछ कॉलेजेस ने सीखा, कुछ बच्चों को भी पता चला कि ये प्रोसेस है और ये आइंदा इस तरह से ही फॉलो होगा, तो डेफिनेटली विद टाइम ये प्रोसेस रिफाइन हो जाएगा। ठीक। अच्छा, एक और मामला जिसपे बड़ा आप देखते हैं कि एक पॉलिटिकल बैंटर भी होता है, वो है जी एचईसी एंड फाटा की, जो फाटा की जो सीट्स हैं, जो एचईसी बाय नॉमिनेशन सेलेक्ट करता है, उनका मामला देखते हैं कि हम कभी रोडों पे होते हैं, कभी वो पार्लियामेंट हाउस के सामने होते हैं, कभी कहीं होते हैं, उनके लीडरान भी यहाँ मौजूद होते हैं, तो ये इसका क्या मामला है, ये मैं समझ नहीं आ रही कि क्या तराजा क्या है। देखिए, एचईसी ने कुछ अपनी कोटा की सीट्स रखी हैं फॉर एक्स फाटा एंड फॉर बलूचिस्तान स्टूडेंट्स। अब ये था कि ये पहले कभी नंबर ऑफ सीट्स इन विच कॉलेजेस, पब्लिक कॉलेजेस, वाज नेवर वेरी क्लियर। तो होता ये था कि इनकी तरफ से नॉमिनेशंस आती थी प्रीवियसली, मैं आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ, वो सारा साल उस पर कभी हुई है नहीं हुई है, एडमिशंस नहीं पता लगता था। खैर, इस दफा पीएमसी ने उनसे वो हमारी इसके ऊपर कई फोरम्स के ऊपर, एचईसी की भी और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर हमारी और एचईसी की मीटिंग्स हुई हैं, इवन विद दी यू नो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, हमने तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बुलवा कर उनके साथ एक मीटिंग की उन इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए कि भाई आप हमें एक्चुअल नंबर बता दें कि प्रोविंसेस अपने अपने पब्लिक कॉलेजेस में ये एचईसी के कितनी सीटें नॉमिनेट करना चाहते हैं इन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए, वो क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए उनको जो 65, क्योंकि हाँ, कुछ मामला ये भी था कि पिछले साल हमने देखा था कि वो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे थे जी, वो नॉमिनेशंस क्योंकि उनका भी क्राइटेरिया है नहीं, वो पॉलिटिकल नॉमिनेशंस है। हाँ, तो ये ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई उनके लिए भी कोई सेट क्राइटेरिया बना दिया जाए? क्राइटेरिया तो है,
क्राइटेरिया वही है कि आपने 65% आपका एमटी कैट अप्लाई होगा, चाहे वो कोटा सीट से। देखिए पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ये था कि आपने अगर एडमिशन लेना है लो नंबरों पे लेना है तो फलानी जगह का डोमिसाइल बनवा लो और आपका कोटा पे एडमिशन हो जाएगा। और जो भी उस इलाके का मलिक होता था उसको केबीके की बात कर रहा हूँ जी, मतलब हर जगह ही था ना, ऐसे ही था। इट वॉज काइंड ऑफ अ बैक डोर फॉर दोज पीपल हु वर एट लो मेरिट। जब एक्सेल की शीट्स पे रिजल्ट आता था तो ऐसे तो होता था, ऐसे तो होता। तो देखो अब हमने ये कहा कि जय आप बेशक कोटा पे करें, अब प्रोविंसेस बता दें कि वो इस चीज का इतना कोटा रखना चाहते हैं, वो परव्यू प्रोविंसेस का, उसमें हम नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि एक कॉलेज है जैसे कि आप कह लो कि खैबर मेडिकल कॉलेज है, उसकी 150 सीटें हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो पीएमसी ने कहा कि आप 150 बच्चा एडमिट कर लें। अब उस 150 में से आप 50 फाटा को देते हैं, 50 बलूचिस्तान को देते हैं, 50 ओपन मेरिट रखते हैं या सेल्फ फाइनेंस रखते हैं। सो दैट इज अप टू द कॉलेज टू डिसाइड एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू डिसाइड कि वो अपने लिए क्या पब्लिक कॉलेज में क्या पॉलिसी रखना चाहते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिक्टेट दैट। तो ये HEC स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी यही मामला था। हमने कहा कि प्रोविंसेस बता दें कितनी सीटें कहाँ चाहते हैं, हम आपको वो उतनी एलोकेट कर देंगे। एडमिशन्स HEC नहीं करने हैं उसके ऊपर, अपने उसके मुताबिक, लेकिन दोज चिल्ड्रन बींग एडमिटेड ऑन दीज सीट्स 65% जो उनका वो है वो तो होगा फॉर दिस ईयर। यस, तो ये चीज जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो तो हर कोटा सीट पे अप्लाई होगी इन फ्यूचर ऑल्सो, सो दिस नॉट गोइंग टू बी एनी बैक डोर टू इट। ठीक हो गया। अच्छा एक और कुछ चीजें आपको, ऐसी बात है कि एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो है वो एमडी कैट जी, वो बड़ा इवेंट होता है। थोड़ा थोड़ा टच करेंगे क्योंकि अभी बोर्ड ने आप जो सिफारिशात है जो आपने दी थी उनको उस पर जो काम है वो अभी तक नहीं आया, लेकिन जस्ट टू गेट एन आउटलुक कि इस साल हमने देखा कि स्पेशल कंडीशंस थी कुछ, तो उन स्पेशल कंडीशंस के तहत आपको ये कहा गया कि आप इलेक्टिव मार्क्स जो है एमफीसी के वो कंसिडर करें। अब इसकी वजह से मसाइल ये पैदा हो रहे हैं कि इस साल तो हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है जी, बच्चों के साइंस के मार्क्स कंसिडर कर लिया। मसला ये आ रहा है कि जो अगला साल अगला जो बैच आएगा जो 2022 का बैच है वो नॉर्मल इम्तिहान देगा, वो उसी तरह इम्तिहान देगा जिस तरह से पहले दिया जाता था, तमाम सब्जेक्ट्स का देगा, तमाम उसके वाइवाज भी होंगे प्रैक्टिकल्स भी होंगे, उर्दू सामयाब भी होगी, तो जो स्कोर था ना वो नॉर्मल पे आएगा। पहले तो इस बार तुमने देखा कि अब नॉर्मल स्कोर रहा ना, मतलब 1090 1095 1096 तो आप उसकी बात कर रहे हो एफएससी में उसी का कि अब ये स्कोर था। अब जब नॉर्मल इम्तिहान होंगे तो 1030 पे उसी तरह टॉप होने लग जाएगा जिस तरह हमारे जमाने में था। तो अब मसला ये है कि अब ये बच्चे जो आएंगे जो इस साल इम्तिहान दे रहे हैं ये तो नॉर्मल स्कोर के साथ आ रहे हैं, अब जो पिछले साल के हैं वो तो बहुत हाई स्कोर के साथ है, तो क्या क्राइटेरिया बनाया जाएगा जिसके तहत इनको आप एक लेवल पे लेके आए। बेसिकली ये काम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, लेकिन फिर भी वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ही भवि में आ जाता है। हमने तो एमडी कैट की अगर आप बात कर रहे हो ना, देखो एमडी कैट में तो वही मेन सब्जेक्ट्स होंगे जिनका उन्होंने एग्जाम देना होगा, चाहे वो तमाम पेपर्स का पीछे से एफएससी में जो भी दे रहे हैं, क्योंकि एफएससी के मार्क्स कैलकुलेशन तो उनकी आगे मेरिट कैलकुलेशन में यूज हो रही है ना, नॉट फॉर द एमडी कैट पर्पस। एमडी कैट तो एक इम्तिहान है जो कि पीएमसी ले रहा है, ठीक है, और ये अभी सेंट्रलाइज्ड इसीलिए ले रहा है कि एक ही लेवल के ऊपर गेज कर रहे हैं सम तमाम बच्चों को। फिर उसका एक एलिजिबिलिटी में हमने रखा कि जी 65% एमडी कैट पास होगा बच्चा तो वो क्वालिफाई करेगा अप्लाई करने के लिए एडमिशन्स के लिए। तो एमटी कैट में तो वही 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि उनके असेस किए जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश। ये एफएससी की वेटेज, क्योंकि इस साल जो था ना ये एफएससी की वेटेज तो देखें वो जो उसमें इलेक्टिव्स काउंट होते हैं ये इस साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा था, वो तो फिर अब नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा कि उसमें क्या, वो तो मेरिट कैलकुलेशन पे आ जाता है ना कि पब्लिक कॉलेजेस में देखो हमने तो ये कहा है कि आपने जो पब्लिक कॉलेजेस हैं 50% वेटेज देंगे एमटी कैट को, उसके अलावा वो चाहें तो जितनी मर्जी अपना एमडी कैट लेने अपना ले लें या अपना एफएससी को कितनी देना चाहते हैं, मैट्रिक को देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, इसके तो वो उनका अपना है। पीएमसी एक्ट ये कहते हैं कि 50% उन्होंने एमडी कैट को देना है, तो वो तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या था और वो पब्लिक कॉलेजेस या पब्लिक जो हमारी सॉरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके ऊपर अपने अपने प्रोविंसेस में एफएससी का जो मामला है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी, इलेक्टिव्स हैं कितना फुल है कितना जाना है आपका ताल्लुक, क्योंकि इस बार स्पेशली
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा था कि जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ठीक हो गया, इस बार आपका कोई उससे ताल्लुक नहीं हो, लेट्स सी हाउ इट गोज, लेकिन अभी तक हमारा तो हम तो यही पीएमसी का काम है एमडी कैट के हवाले से कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, एमडी कैट का सिलेबस बच्चे को फॉलो करें, टाइम से इम्तिहान दें, जो क्वालिफाई करेंगे वो फिर अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए, और एडमिशन्स के टाइम पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का अपना होगा पब्लिक कॉलेजेस के लिए वो अप्लाई होगा उनके ऊपर। अच्छा एक और ये अक्सर सवाल आपको आया भी होगा, बहुत दफ़ा आया बल्कि सिलेबस के मुताबिक एमडी कैट का सिलेबस, क्योंकि पिछली बार ये कहा गया था कि जल्दी आ जाएगा, मतलब सिलेबस जो है वो मतलब 4-5 महीने पहले आएगा, अभी तक तो काफ़ी टाइम भी हो गया एमडी कैट को, हमने नोटिफाई तो कर दिया हुआ है, आपने शायद वो पुराना ही है, उन्होंने कहा था जो अभी जो बोर्ड जो नई असेसमेंट देगा वो इस तरह से है कि देखिए इसमें हमने बच्चों की क्लैरिटी के लिए प्लस ये कि वो ज़्यादा एप्रिहेंसिव ना हो, परेशान ना हो इसके ऊपर, तो हमने उनको ये बताया कि इस सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी, अगर हुई भी तो कुछ एडिशंस नहीं होंगी। देखिए ज़्यादातर बच्चे किस चीज़ पे परेशान होंगे कि कुछ और ऐड कर दिया, ठीक, यानी उन्हें मजीद कुछ और का स्ट्रेस आ गया कि अच्छा ये भी है ये भी है ये भी, तो उसको हम हमारा बोर्ड सिर्फ उसको थोड़ा बहुत आप कहें कि रैशनलाइज कर रहा है, देख रहा है कि उसमें मजीद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मे बी एक्सक्लूड करना चाहें, ठीक ठीक, क्योंकि एमडी कैट देखें इट इज़ अल्टीमेटली पीएमसी का विजन ये है कि एमडी कैट शुड नॉट बी अ रेपिटेशन ऑफ एफएससी, इट शुड रादर बी यू कुड से a qualifying exam which prepares a student or which indicates that this student qualifies to enter into a first year MBBS or a BDS course, ki usko wo basic knowledge pata hai ki jab aap khud bhi you're a medical student, yes. right jab aap gaye ho to wo jo ek gap hota hai na beech mein jab aap FSC karke ekdam first year medicine mein join karte ho तो कुछ आपको लगता है कि ये तो कुछ और ही लैंग्वेज है, कुछ और ही चीज़ें हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो कि हम समझते हैं कि जैसे बॉटनी है या बहुत सी ऐसी चीज टॉपिक्स, हाँ, सो यू रियली डोंट नीड दैट देयर वो नॉलेज, तो हम उस पर बच्चे को क्यों असेस करें एमडी कैट, हमने वो बच्चे को उस पर असेस करना है जो उसको आगे जाके पढ़ना है, बेसिकली इट इज अ सब्जेक्ट असेसमेंट एग्जाम ना, तो वही देखना है कि हाँ कि वो okay, लेकिन एक मजे की बात ये है कि अक्सर वीपी साहब कहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो काइंड ऑफ देखो अल्टीमेटली हमें उसी तरफ जाना है, अल्टीमेटली हमें उसी तरफ जाना है, जैसे मैंने पहले कहा इट शुड नॉट बी अ रेपिटेशन ऑफ योर एफएससी, जिस तरह से होते ना कि हाउ यू सोचने का जाविया क्या है, वो चीज असेस की जाए उस एग्जाम के थ्रू, एंड डेफिनेटली विद टाइम विद इयर्स वी आर गोइंग टू इम्प्रूव दिस, एंड डेफिनेटली वो बच्चे भी उस पर ट्रेन होते जाएंगे, और बच्चे अब आजकल ज्यादा शार्प है माशाल्लाह, बहुत इंटेलिजेंट है। चले मैम, थैंक यू वेरी मच, हमने आपको काफी टाइम लिया। थैंक यू सो मच।